हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी चौहान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई कट माय हेयर एट होम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी चौहान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई कट माय हेयर एट होम। सो मैंने डिसाइड क्या किया है कि मैं पीछे से यू कट काटूंगी और सामने में मैं थोड़े से लेयर्स रखूंगी यहाँ साइड में, और मैं सामने से यहाँ साइड से भी मैं थोड़े से हेयर्स कट करने वाली हूँ। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन। सो हियर आई एम यूजिंग सम रबर बैंड्स, क्लचर्स एंड वन सीजर एंड कॉम्ब। यहाँ सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को डिटेंगल करूँगी और टेंगल्स रिमूव होने के बाद मैं अपने हेयर्स को गीला करूँगी स्प्रे बॉटल की हेल्प से। हमको ज़्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ 60-70% गीला करना है। मैं अपने हेयर्स को इसलिए गीला कर रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर्स वेवी है। गीला करने से क्या होगा, मेरे हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे और जब मैं अपने हेयर्स को कट करूँगी तो वो इक्वली कट होंगे। अगर आपके हेयर्स ऑलरेडी स्ट्रेट है तो आपको आपके हेयर्स को गीला नहीं करना है। मेरे हेयर्स 60-70% तक के गीले हो चुके हैं, पूरा गीला नहीं करना है। फिर अब हम इसे एक बार अच्छे से कॉम्ब करने के बाद कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसे कॉम्ब जो जितने भी डैमेज हेयर्स हैं मैं उनको निकालने वाली हूँ सबसे पहले, तो मैं शायद इतना कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से मैं अपने हेयर्स पर कॉम्ब करूँगी और सारे टैंगल्स रिमूव करूँगी क्योंकि हेयर्स को गीला करते टाइम में बहुत सारे टैंगल्स आ गए थे और हेयर कट करते टाइम में हमें एक भी टैंगल नहीं रखना है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे हेयर्स एकदम इक्वली स्ट्रेट है और नीचे से भी स्ट्रेट है। सबसे पहले हमें अपने सारे हेयर्स को नीचे करना है और नीचे करने के बाद हमें नीचे के ही डायरेक्शन में हमें कॉम्ब करना है। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हम वहाँ पे पोनी बनाएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में वैसे ही कॉम्ब करके पोनी बनाना है और रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर करना है। टाइटली सिक्योर करने के बाद पोनी बनाने से पहले आप अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब कर लेना। याद से अच्छे से कॉम्ब करते हुए नीचे के डायरेक्शन में अपने हेयर्स को पूरा इकट्ठा कर लेना। कलेक्ट करने के बाद आपके पूरे हेयर्स को सामने, फिर आप अपने कोई भी रबर बैंड से आप अपने हेयर्स को अच्छे से सिक्योर कर लेना टाइटली। पोनी बनाने के बाद फिर से एक बार अच्छे से कॉम्ब कर लेना। कॉम्ब करने के बाद फिर से कुछ ही दूरी में फिर से रबर बैंड लगाएंगे। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही रबर बैंड आपको लगाना है। यहाँ पे मैं एक और रबर बैंड लगा रही हूँ। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, आप जैसे आपके शॉर्ट हेयर है तो आपको 2-3 रबर बैंड्स में हो जाएगा, पर मेरे यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग हेयर है तो इसलिए मेरे को 3-4 रबर बैंड्स लगेंगे।
अभी जो मैंने रबर बैंड लगाया है उसके ही नीचे कि मैं सारे हेयर्स कट करने वाली हूँ। ये मेरी गाइडलाइन है, मैं इसके ऊपर नहीं जा सकती हूँ और मुझे बस इतने ही हेयर्स नीचे से शॉर्ट करना, तो मैं इन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे कट करना। मैं यहाँ से मैं स्ट्रेट कट करने वाली हूँ। सारे स्प्लिट एंड्स, डैमेज हेयर सारे निकल चुके हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा कट गया है, मैं अभी इसे सीधा कर दूंगी काट के। और यहाँ मेरा परफेक्ट यू कट कट गया है, एकदम परफेक्ट कटा है और एकदम मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने मेरे खुद से हाथ से काटा है, ऐसा लगा मैंने किसी की हेल्प ली है, पर मैंने आपके सामने वीडियो बनाया है। आपको मेरा हेयर कट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मेरे हेयर्स में डिफरेंस देख ही सकते हो, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। ये हेयर कट मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है तो मैंने सोचा था आपके साथ भी शेयर किया जाए, और मुझे ये हेयर कट बहुत पसंद है, इससे हमारे हेयर्स की ना लेंथ कम होती है। सो मैंने सोचा है करके कि मैं अपने हेयर कट पर दो पार्ट बनाऊँ, एक फर्स्ट पार्ट में मैंने यू शेप कट किया है और सेकेंड इसमें मैं सामने के फ्लिक्स कट करने वाली हूँ सेकेंड पार्ट में। ट्यून एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू एंड मोर अपडेट्स। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा। I hope this video is helpful for you, so hit the like button. Thanks for watching.